हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको प्याज वाली भिंडी बनाना बताऊंगी। यह बनाने में बहुत ही आसान होती है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए छोटे आकार में कटी हुई भिंडी। मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, दो बड़े प्याज कटे, हरी मिर्च 3-4, स्वाद नमक स्वाद के अनुसार। अब देखिए, हमने स्टार्ट करते हैं। ये कढ़ाई रखी, मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करा है। मैं ज़्यादातर सूखी सब्जियों में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। उसमें थोड़ा हींग डाला, जीरा डाला, अब उसमें प्याज डालेंगे और उसको बहुत लाइट ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमको नहीं भूनना है, क्योंकि जब हम भिंडी पकाएंगे तो उसके साथ भी वो पकती है। पहले ही हम बहुत ज़्यादा अगर इसको ब्राउन कर लेंगे तो बाद में ऐसा लगेगा कि जल गई प्याज। तो 5-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि समर सीज़न में हमें आजकल सभी डिशें ऐसा लगता है कि कुछ अलग स्टाइल में खाएं, एक ही तरीके से चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। अब इसमें हम ये हरी मिर्च डालेंगे और इसको थोड़ा सा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च, इसको अच्छे से चलाएंगे। थोड़ी भिंडी में हम सौंफ भी डाल सकते हैं। अब भिंडी को डाल देंगे और इसको चलाएंगे। जो थोड़ी सी चिकनी चीज़ें होती हैं इनमें एक एक करके हम इसमें बनाते समय मिठाई या अमचूर या फिर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, तो उससे ये एक तो देंगी और दूसरे वो चिपकेंगे नहीं। नमक डाला स्वाद के अनुसार, थोड़ी देर हम इसी तरह से इसको खुला चलाते हैं ताकि ये थोड़ी सी खटाई डाली, इसे क्या है वो चिपकेगी नहीं। अब इसको ढककर रख दे, 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे, फिर इसको दोबारा से चलाएंगे। अब इसे चलाकर देखेंगे, ये बहुत दिन रखना होता है कि कभी वो नीचे से जल ना जाए। देखिए चलाएंगे इसको, फिर दोबारा से 2-3 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। बहुत तेज गैस पे नहीं पका रहे हैं, हमें मीडियम खाना है। देखिए भिंडी हमारी बनकर तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मैंने और इसी तरह की नई नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, स्पाइसी भिंडी, कुरकुरी भिंडी, हरी भरी भिंडी।